गाजी न्यूज चैनल, सबसे पहले देश और समाज की खबरें। अब हम क्या करें, सरकार इनकी है, सांसद खुद है, परिवहन मंत्री इनका है। जो सांसद डेढ़ डेढ़ दो दो घंटे जाम में फंसा रहे भाजपा का, उनसे अच्छा समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता बहुत काफी है। मसाला दिखाओ, अरे मेरी फोटो, अरे मेरी मोटो खींच, मेरी फोटो हो गया। की बार किसकी सरकार, देखिए जनता की सोच। एक आम नागरिक ने बीजेपी सांसद को खरी खोटी सुना डाली। ये वीडियो हम आपको दिखाएंगे। इस वीडियो में सांसद जाम में फंसे हैं और एक आम नागरिक वहां आता है। हो सकता है वो समाजवादी पार्टी का समर्थक हो और वो सांसद को ऐसी खरी खोटी सुनाता है, सांसद की धज्जियां उड़ा देता है। सांसद के पास मुस्कुराने के अलावा कोई शब्द नहीं रह जाते हैं। देखिए वीडियो आप, और आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन भी प्रेस कर दे। समाजवादी पार्टी छोड़ो, भाजपा का सांसद कम से कम एक घंटे से परेशान है। ये समाजवादी पार्टियों का बचाव, नेताओं का बचाव नहीं करते। पूछ लो इनकी सरकार क्या काम कर रही है। ये केवल फोटो खिंचवाते हैं, मुस्कुरा रहे हेमा मालिनी की तरह। इधर आओ, बुला रहे सर, आपको बुला रहे। मैं सांसद जी से अपील करता हूँ, 2022 में समाजवादी पार्टी को वोट देना। हमारे नेताजी से सीनियर दुनिया में कोई नेता नहीं, हमारे नेताजी से अच्छा कोई नेता नहीं। श्री मुलायम सिंह यादव जी के सामने जीरो है, जीरो ये जीरो नहीं है, बीजेपी से सांसद है वो। इनसे ज्यादा पावर वाले हम है। ऐसे पावर वाले हाथ में डलिया लियो, पावर वाले बता रहे सर। जो सांसद डेढ़ डेढ़ दो दो घंटे जाम में फंसा रहे भाजपा का, उनसे अच्छा समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता बहुत काफी है। इनसे ज्यादा हमारी हैसियत है। इनकी सरकार ने राम मंदिर बना दिया है। इनकी सरकार में केवल कुत्ते लौटते हैं और सांड बोलता है। सर कुछ कहना चाहेंगे इनके बारे में? चलिए, शुक्रिया सर, शुक्रिया। यहाँ सांसद होके फंसे नहीं है, बाय बाय नहीं कर रहे, वो ट्रैफिक है, इस वजह से गाड़ी रुक गई। सरकार किसकी है? सरकार बीजेपी की है। फंसा कौन है? हमारी क्या हुआ हैसियत है उसके सामने? लेकिन कहाँ पे फंसे ये भी तो देखो। आओ इधर आ गया, आ गया। क्या कर रहे हो? अब हम क्या करें, सरकार इनकी है, सांसद खुद है, परिवहन मंत्री इनका है, हमारी क्या गलती है? नहीं नहीं, गलती उनकी नहीं, लेकिन किसका पार्टी करा ले ये देखो। उनसे खुद अपील करो, आप आपको अपनी पार्टी से बोलो। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला से बोले ये ट्रैफिक कम करने के लिए साइकिल चला रहे। साइकिल अब हम क्या करें, सरकार इनकी है, सांसद खुद है, परिवहन मंत्री इनका है। जो सांसद डेढ़ डेढ़ दो दो घंटे जाम में फंसा रहे भाजपा का, उनसे अच्छा समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता बहुत काफी है। मसाला दिखाओ, अरे मेरी फोटो, अरे मेरी मोटो खींच, मेरी फोटो हो गया कोरोना। सरकार किसकी है? सरकार बीजेपी की है। फंसा कौन है? श्रीमती डिंपल यादव जी सांसद बनेंगी, जाओ मैंने कह दिया। मैं सांसद जी से अपील करता हूँ, 2022 में समाजवादी पार्टी को वोट देना। हमें भैया जाओ, मेरे मुंह न खराब करो भैया, अच्छे दिन आए। अखिलेश यादव कुछ नहीं, डिंपल यादव जी बहुत कुछ है। बिहार में बाबा रामदेव को पतंजल खा के चूतिया बना रहा सबको, अब बाबे को समझता है अनपढ़ गंवार है। बाबे हमारे डबल MA पास है। अखिलेश जी व्यक्तिगत तौर पे कैसे है मुझे ये बताओ। हमको उनसे कोई मतलब ही नहीं है ना, हमको 5 साल कार्यालय के अंदर नहीं गए, उनसे कर रहे हैं सब लोग। ये पत्रकार कौन, कौन? आप क्या कह रहे हो, अंदर नहीं गए? आप हमारे सपोर्ट मत बोलिए, हम अकेले बात करने वाले काफी बता रहे हैं, हमारे बीच में न बोलिए। श्रीमती डिंपल यादव को दुनिया का सबसे ज्यादा नंबर दूंगा, 10 में से कितने नंबर दूंगा? 10 पूरे 100 के 100 नंबर दूंगा। अच्छा, अखिलेश यादव को 10 में से? हमारी उनसे कोई मतलब ही नहीं, हमारी कोई बात नहीं होती, बाप नंबर ही बेटा 10 नंबर ही, हम क्या करें। अखिलेश यादव जी अच्छे दिन आए कि नहीं आए? अच्छे दिन तो ऐसे है कि लिहाजों के ढेर लग गए और तुम्हारी सरकार के नेता अय्याशी कर रहे, सैर सपाटे कर रहे। राजा राम बाराबंकी के रहने वाले, बिहार में बाबा रामदेव को पतंजल खा के चूतिया बना रहा सबको, अब भाभी को समझता है अनपढ़ गंवार है। भाभी हमारे MA पास है। अच्छा, ये बताओ योगी जी कैसे हैं? हमसे क्यों पूछ रहे, जिस सरकार में केवल लाश के वास्ते चल रही गाड़ी, उसकी क्या बात करते हो? अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी जी कैसे? उनसे अच्छे आदमी मान नेताजी प्रधानमंत्री है, वो नाम का है, नेताजी से बड़ा कोई दुनिया में नेता नहीं। नेताजी जो बात कह देते हैं वो सत्य निकलती है। नेताजी ने बहुत जमाने पहले कहा था कि जो मैं बात कहता हूँ 10 साल आगे तक चलती है। पिता का उत्तराधिकारी कौन होता है? पिता का उत्तराधिकारी कौन होता है बताओ? पुत्र होता है ना। और तुम दिल्ली में बैठे हो, अकेले लड़का मेहनत कर रहा है। तो 22 में कितनी सीटें ला रहे हो?
अरे 275 इटावा का नंबर है पूरा उत्तर प्रदेश में 75, यूपी में जिले कितने हैं 75, यूपी में सांसद कितने हैं 80, समाजवादी पार्टी के सांसद कितने हैं 5। अरे 5 लोगों को तो भरोसा किया दुनिया ने, यूपी की चाबी डिंपल भाभी, विकास के भैया अखिलेश भैया, काम बोलता है तुम्हारा काम बोल गया, मसाला दगाओ, अरे मेरी फोटो, अरे मेरी मोटो खींच मेरी फोटो, हो गया कोरोना। होश में आओ, सरकार ने बकचोदी ले लिए मोबाइल, बीबीपुर के नौजवान जिंदाबाद। आपको हमारी न्यूज कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा। माहिरा की स्पेशल रिपोर्ट।